दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पहाड़ीदास जी दीपक। आज हम आए हैं लोटानाथ भैरव की जी की पूजा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस जो मंदिर है मल्ला खंडवा से ऊपर बरंगल गांव में लगता है। हाँ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पर, ढलान पर ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप सामने का नज़ारा देख रहे हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर ये मंदिर है। कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं और मैं सबसे पीछे हूँ दोस्तों। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और हम ठीक मंदिर के सामने आ गए हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, बिल्कुल ढलान पर है। हजार रुपये करो बैग आगो भाई तेरे अब वो बैग आते हैं बदले ना मैं अब बोल मुक्की है ये तो मुक्की है ये है भोटिया मेरे नाम तेरे नाम है ये सल्लू का बहुत बड़ा फैन एक बार फिर से गाना गा दो ना $15 ये हमारे ठाकुर पे ठाकुर ओए ला अब क्या बोलोगे मैंने ओके ये आप क्या बता देना इतना अरे अच्छे ठंडा पीने वालों को तो चाय देनी नहीं है तू ये बना ना एकदम ये सब जुगाड़ गर्मी से बचने के लिए अरे क्या नाम है
जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है दोस्तों, इस वक्त हम भंडारा वितरण कर रहे हैं। भगवान को भूख लग चुका है और भंडारा बांटा जा रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया पूजा है। अरे आ जाओ, और आओ। अरे और आओ, आ जाओ बेटा। मैं यूट्यूब को आओगे तुम? कोई हो तो मंदिर पे भेज देना। सारे हो गए। ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यही मुख्य मंदिर है लोटानाथ भैरव जी का, और यहीं पे पूजा करने हम आए हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे पूरे गांव वाले भी साथ में आए हैं और सात्विक पूजा यहाँ पे हो रही है अभी। और मंदिर की तरफ देखिए दोस्तों, नीचे बिल्कुल गहरी खाई है। जैसा कि दोस्तों, भंडारा समाप्त हो चुका है, भगवान को भोग लग चुका है और हम पूजा करके घर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, आपको नज़ारा दिखाते हुए। ये जो सीसी मार्ग बना हुआ है, ये ब्रंगल से मलखंडों का जोड़ता है दोस्तों, बिल्कुल ढलान की तरफ। जैसे कि हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो आपको दिखाते हैं। नीचे मलखंडों में स्कूल है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे विराजमान है लोटन भैरव। आई देखिए दोस्तों, और हम आ चुके हैं मलखंडवा स्कूल के ऊपर, जहां हमें मिलेंगे श्री पद्मादत्त जी। तो पद्मादत्त जी का भी एक इंटरव्यू यहां पे लेना है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूजा समाप्त हो चुकी है सभी लोग। और दोस्तों, यह है पुराना रास्ता जो पैदल मार्ग हुआ करता था उस टाइम, और हम यहां पे से इसी मार्ग बन गए हैं। तो पहले इसी रास्ते से आवागमन होता था, तो इस पर लोगों ने अब चलना कम कर दिया। तो दोस्तों, इस पर ज़्यादा अब ये चलने लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो में आपको ये रास्ता दिखा रहा हूँ। चलते हैं स्कूल की तरफ। और पद्मा जी जिस स्कूल में है मिलेंगे दोस्तों में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी भंडारा लेके अपने घर अपने घरों को जा रहे हैं दोस्तों। अब हम भी घर जा रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पहाड़ी राजीव दीपक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा।